मुस्लिम का शादी अटेंड नहीं किया। सुबह सुबह ये दरवाजा खुला तो मुझे लगा कोई आया होगा। जब मैं इधर मुड़ा तो मैंने देखा कि ये लड़का कहीं जा रहा है। अब ये लड़का सुबह सुबह कहाँ जा रहा है अब तो यही जानेगा। हम में से किसी को खबर है नहीं कि कहाँ जा रहा है ये, और ये बताना भी नहीं चाहता है कि ये कहाँ जा रहा है। कहीं जा रहा है ये लंबे सफर पे। सफर पे से मैं आया तो अब ये निकल रहा है। मंगल एक्चुअली इंतजार ही कर रहा था हमेरा। क्या लग रहा है? नहीं नहीं, बाइक से नहीं जाएगा पागल, इतना घटिया कंडीशन है, इतना दूर ये बाइक से तो जाएगा नहीं। तुमको समझ में नहीं आ रहा ये अकेले वाला क्या चक्कर है? अकेले नहीं जा रहा है, ये दोस्त के साथ जा रहा है। तुम लोग को मौका मिल गया है, तुमको और उसको भी, हम प्रोग्राम करने जा रहे थे, तुम लोग घूमने जा रहे हो। तुमसे किसने कंपेयर किया भाई, हम लोग तो अपने मस्ती के लिए गए थे। मेरा बहुत टाइम से प्लान था और मैंने किसी को जवान दे रखा है तो मुकर भी नहीं। तुम्हारा जबान अघोरा का पूंछ दोनों बराबर है। तुम्हारा जबान और गिन्नी का जबान बराबर है। सच में सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाथ में गन है, पंगा मतलब। भाई जाओ कि ट्रेन से जा कहाँ रहे पता है तुम लोगों को? जाएंगे ट्रेन से ही। वो मंगल रिवील नहीं करना चाहता कहाँ जाना चाह रहे हैं, इसलिए ये हमको बता नहीं रहा है ये कहाँ जाना चाह रहा है। पीछे लो, हमसे बात करने हैं। नहीं नहीं जाओ जाओ, इसको लेट हो रहा है, जाने दो। कितने दिन के लिए गया है ये? अब वही जाने का, वो बोल रहे दो तीन दिन, अब देखते हैं कितने दिन में आता है। देख ब्लॉग तक में दिख गया इसका गंदगी, कपड़ा लेके गया है नहीं ना। तो मेरा नज़र पड़ा इसके ऊपर, ये कोई कुरियर लाके यहाँ पे रख के चला गया है। इसके अंदर देखो पूरा शीशा है, ये सारा कांच है, इसके ऊपर हमारा एड्रेस है आधा अधूरा लिखा हुआ। तो इसके अंदर क्या है एक बार खोल के देखते हैं। इसको हाथ से ना खोल पाना थोड़ा मुश्किल था, और इसके अंदर बहुत सारा शीशा है तो इसलिए नीचे रखा है मैंने ये। ओए कट गया। हाँ यार, किस चीज़ से कटा है? अंदर में कांच था उससे। थोड़ा ठीक से ठीक से ठीक से। अंदर में शीशा है ना चाचा, तो ध्यान दोनों तरफ दीजिए। मैं चक्कू में हाथ नजदीक रख दिया था ना इसलिए। देखना यार, अच्छा इसमें लेटर होगा, इसको निकाल के रखो साइड में। शादी वादी का कार्ड है क्या? है ना, शादी का कार्ड है, वेडिंग इनविटेशन है। नीचे में भैया की दादी में जलू से जलू लाना, अगर उसमें गिन्नी पांडे का नाम लिखा होगा तो जाऊंगी। साफिया बनो। ओए मुझे देखना था भाई। हम लोगों ने कभी मुस्लिम का शादी अटेंड नहीं किया है, हमें आसपास होगा तो जाएंगे। बिल्कुल 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 तनवीर जी, हम जरूर आएंगे। हाँ ये पूरा टूट चुका है भाई। सारे के सारे पुराने फोटोज हैं हमारे ना, मतलब इसमें सिबलिंग व्लॉग्स, गिरी पांडे प्रैंक्स विद पांडे, विद गिरी पांडे। मेरा वाला लास्ट में भाई दिखा दिया ना, हैं? अबे ऐसा थोड़ी है, फिर तो ज्यादा नंबर वाला सब्सक्राइबर ही है, इसको ऊपर रहना चाहिए था। ऐसा थोड़ी है कुछ, हैप्पी फैमिली लिखा हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत है बहुत। इसमें खूबसूरती में एक कमी है। क्या? मेरा YouTube। YouTube नहीं है क्या इसमें? नहीं है, पांडा पहले है। पर ये देखो कांच टूटने से ना जो फोटो है ना, फोटोज पे देखो स्क्रैच आ गया है। प्लीज यार, अगर इस तरीके का अगर आप तोहफा भेज रहे हो ना तो आया करो, तो लेके आया करो। देख लो इसका हाल क्या हो गया है, और अब हम इसको कहीं फेंकेंगे भी ना, कोई उधर गलती से चला जाएगा तो फिर टांग का हाल ये हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। दो ही चीज है ना इसके अंदर। हाँ। तो वेस्ट है। इसके अंदर में एक लेटर भी है, नमस्ते करके लिखा हुआ है कुछ। अच्छा यहाँ पे तनवीर हसन जी का नंबर वगैरह लिखा हुआ है। ये काफी दूर है तो शायद हमारा आना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। मेरा देखो थंब कट गया, बड़ा खून निकला अभी तो। अभी हमको गिफ्ट आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, और फोटो भी अच्छा था, और आपके शादी का कार्ड भी अच्छा था। आपको शादी मुबारक। कहाँ था तुम्हारा गिटार रखा हुआ? ये देखो वहाँ पे ना शिवम का गिटार फेंका हुआ है। अरे वो बेवकूफ साला फेंका होगा, वो बेवकूफ तोड़ के फेंका है तो फेंक दिया कोई उठा के। तो तुम्हारे रूम में रखा था या कहीं बाहर रखा था? ठीक से अबे वो तार पे चढ़ना ठीक से। कहाँ कूदू, कहाँ मैं? धीरे से उतरो, कूदो मत, जैसे जिस तरीके से चढ़े हो ना उसी तरीके से उतरो। रे बाप रे बाप, लगा क्या? नहीं नहीं जाओ, उसको पहले मारूंगा मैं, आने दो। अब यार मुझे लगता है कि मैंने मम्मी के हाथ में देखा था मंगल शिवम, मुझे दे। मैं ये टूटा है चाहे कुछ भी है, ये कौन फेंका पहले वो मुझे बताओ। अब एक चीज देख के बता दो, सुनो
एक चीज देखिए बताओ, वहां पे कोहरा है क्या? कहां पे कोहरा? पकड़ पहले तू यार, वो लोग जो लकड़ी चुनने आते हैं ना, वो लोग हमारा जो था कोहरा वो लेकर के चले गए। ये भी देखो सामने, ये देखो ना मेरे उंगली के ठीक सामने देखो, यहाँ पे कदुआ इससे मर जाता है। यहाँ पे उंगली दिखाने से देखो तो टूटा हुआ है क्या? यही यही पे, यही पे यह है या नहीं है? टूटा हुआ डंठल। हाँ अरे कद्दू है, बड़ा है। हाँ ना, तोड़ो फिर, तोड़ो, तोड़ के ले आओ वरना वो समाप्त हो जाएगा। ये देखो, तोड़ लो, तोड़ लो, तोड़ ले, तोड़ ले, तोड़ लो। कद्दू फटेगा तो सब में बटे। अरे चलो ले आओ। और है क्या उधर से ही देख लो। और जब... है छोटा सा है। कितना छोटा है? इतना छोटा है। नहीं नहीं, एक है वहाँ पे, इसका आधा। नहीं नहीं नहीं, सब तोड़ो अभी, रहने दो, दो दिन के लिए छोड़ दो उसको, अभी रहने दो। चलो ये काम करते हैं, तीनों कद्दू तोड़ो, हम लोग तीनों कद्दू को पकाएंगे, हम तीनों देखेंगे कौन अच्छा पकाता है। जरूरत नहीं है, घर का कद्दू है, इसको फेंकना नहीं है। चलो शुभम अब आ जाओ तुम। तो थोड़ा थोड़ा ही पकाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलो कद्दू को तुम चैलेंज होना चाहिए था यार, देखूं तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो। अरे बाप रे, शिवम भूल गई, ये लगता है भूल गई, तुम नहीं थे ना यहाँ पे। अच्छा तुम पहले उतर जाओ, उसके बाद वार्तालाप करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, टूट सूखा है वो। अच्छा अरे 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 अरे, पता है तुम नहीं थे तो हमने वो बनाया, मैक्रोनी बनाया और रोल बनाया, सब कुछ बनाया। हाँ हाँ, तो वो सब कुछ बनाया, सब कुछ अकेले मैंने किया, और पूजा दी ने बस उबाला, वो भी इसने गीला कर दिया मैक्रोनी को। मैक्रोनी और मैगी भी गीला कर दिया इसने। मुंह क्या देख रही हो, ब्लॉग में भी बोला है तुम्हारा इज्जत और हम तो पे। मेरे हाथ में फोन आ गया है, तुम लोग एक एक पकड़ के भेद खोल यार, ये और मंगल शिवम, ये और मंगल जब फोन खरीदे थे तब से ये बात बोल रहे हैं, और अभी तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं निकल के आया है। फेंकेंगे ही ये लोग जिंदगी। पहले तो जवाब लेना मुझे, कौन किया ये? जवाब लेना है मम्मी, मम्मी अगर मम्मी की होगी ना बेटा। अपना चीज तोड़ के कहीं कोने में फेंकोगे तो कोई भी उठा के फेंक देगा कचरा समझ के। कोने में तो रखा नहीं था पहली बार। कहाँ था ये? उसके ऊपर था, छज्जे के ऊपर रखा था मैंने, छज्जा से उतार के कोई फेंका है। तो मम्मी ने उतरवाया है ना, फिर मम्मी ने उतरवाया है बेटा। शांति इसी में है शिवम, कि तुम कुछ चूचा ना करो, इसे ले जाके शांति पूर्वक साफ सुथरा करके रख दो। क्या फायदा, टूटी चीज नहीं रखते हैं वैसे भी। क्या कर रही हो बबी तुम वहां पे बैठ के? ये लड़की देखो, जैसा नाम वैसा काम। पूरी गलती से मजाक चल रहा है ना, बाप रे। ना 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 यार, अबे देख प्लास्टिक लगता नहीं है चोट। इधर आ कैमरे सामने आ, तू ऐसे मार ना, ऐसे मार के तू देख। इधर जिद्दी क्यों मार रहा है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में भी एक मरकरी देना साले, मेरे हाथ में भी एक मरकरी देना, मरकरी देना। ले कैश कर, ये नहीं अगर टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक टूटना तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टूट गया तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखना, मत करो। तुम लोग जैसे खेल रहे हो ना, बहुत खतरनाक। ठीक है चलो। बहुत घटिया चीज से खेल रहे हो तुम लोग। अरे अरे अब बोलो, दो दो या दो। खेल खेलना है, ये मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि इस ट्यूबलाइट से मुझे करना है खेल। कौन सा खेल? आओ बताता हूँ, आओ कौन सा खेल है बताता हूँ। लो कैच करो, तुम कैच करो, कैच। अब मैं आ रहा हूँ हेलमेट पहन के, ठीक है, उसके बाद तुम एक खेल करोगे इसके साथ। इस खेल में थोड़ा सा रिस्क है लेकिन तभी तो इश्क है। हाँ, ये होने के बाद भी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। रुको भाई, ये रुक, अबे रुक, हेलमेट लेके आने दे। अगर कोई कांड हुआ तुम दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। मत करो यार,
मैं अभी हेलमेट लेके आता हूँ, उसके बाद आपको खेल का नियम समझाता हूँ। ये कैसा खेल है? जैसा भी है ये बहुत खराब खेल है जो तुम लोग खेल रहे हो, जिस चीज से ये खेलने की चीज नहीं है। गिन्नी मार देंगे अगर मेरे मुंह पे लगा तो, झांसी की रानी से कुकुलड़िया की रानी बन जाएगी एक मिनट में। आ जाए चलो डांस करो। हम लोग यहाँ पे मैदान में आ चुके हैं। ये खेल काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपको पता ही है कि वी आर हाईली ट्रेंड टू डू सच एक्टिविटीज, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू नॉट टू ट्राई दिस एट होम। ओके, सो अभी होने क्या वाला है कि मैंने पहना है ये सेफ्टी हेलमेट, और इस सेफ्टी हेलमेट के ऊपर गिन्नी मार के ये ट्यूब लाइट फोड़ने वाली है। ठीक है, तैयार हो दिखा तो ऐसे रहे जैसे ये जिंदगी में कभी लड़ते ही नहीं है। चलो बात बात अनुमार्क, गेट सेट गो। ओ व्हाट, नहीं टूटी, रुको, इज इट, नहीं फूटा, इसका मतलब ये है कि अब गिन्नी पहनेगी हेलमेट और मैं फोड़ूंगा। अरे अबे ओए, यही था ये रूल, मैंने तुमको थोड़ा बताने में लेट कर दिया लेकिन रूल तो यही था। आओ आ यार, अच्छा चल तू एक बार और तुम मार लो, आओ लेकिन उसके बाद मैं मारूंगा, ध्यान रखना। लो कैच, अरे कैच कर यार, हाथ में दिया था। चलो चलो कैमरामैन वहीं चलो, कितने पे टूटोगे भाई? टूटेगो कि ना टूटेगो? टूटोगे 20 टन पे टूटोगे, इसके बाद लेकिन हमको नहीं मारेंगे। क्या हम कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो कह रही है कि मुझ पे मत मारना। नहीं ये करने का मकसद ही नहीं है, तुमको भी झेलना पड़ेगा। नो, नहीं तो आई हैव टू सेव मायसेल्फ, यू आर नॉट अलाउड टू क्विट द गेम। हां और क्या, बैक टू वंस यू एंटर्ड यू हैव टू कंप्लीट इट। चलो अन अन बन के आन बान आज से अपनी आन बान में जान नहीं जाने दूंगी। ओ नहीं नहीं माफ कर दूंगा, मुझको राणा जी माफ करना, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। एक बार प्यार से गिन्नी प्लीज, प्यार से यार, तुमको पता है तुम मौत के मुंह में हमको कुदा रहे हो। कहाँ कुदा रहे हो? मौत के मुंह में। ओ सही सही, सी इज नॉट रेडी शिवम, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो रन कर सकती है। ए इतनी बार मारोगे यार? अबे तू ए रुक, मैं क्या कितनी बार भी मारूंगा। चलो ठीक है, तुमको बचना है, आजा बेटा आजा आजा, ये देख कौन है, मेरा छोटा बेटा है। बंदा बचाओ, बंदा बचाओ, बंदा बचाओ, बंदा बचाओ। ओ पांडा को हटाओ पहले, नहीं पांडा को हटाओ अगर टूट गया दिक्कत हो जाएगा। शिवम पांडा को हटा दो, नहीं बचा रहा तुम्हारा बेटा, धोखे बाहर निकला। बेटा बेवकूफ निकला, चलो आओ चलो चलो, ठीक है अब मैं पहन रहा हूँ, लो सेफ, लो आ जा बेटा, तो छोड़ के आऊँ दे, आ जा इसको, रहने दो इसको, गेम देखने दो यार, आओ इसको, पहले पांडा को अंदर रख के आओ, आ जा बेटा तू ही पहन ले हेलमेट, तेरे बस का ही नहीं है, हेलमेट पहनाऊंगा तो मेरे शरीर में घुस जाएगा पूरा ये। चलो अब मेरी बारी है, अरे आओ
इसको देखे देखो ये काट सकता है कि नहीं इसको। अबे इसका दांत टूट गया। हाँ कल ही टूटा है बेचारे का, लाल दिख रहा है देखो ना। क्या हुआ? दांत टूटा है इसका। दांत टूटा है भाई, कल ही हम तो गाड़े हैं। लो। चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं टूटेगा ये, बकवास है इसका करना। तो हम लोगों ने जो प्लान किया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हमको सब धोखा दे रहे हैं, इसने भी धोखा दे दिया। देखो क्या लेके आया है, क्या लिया है? तुमको दिखा रहा था। अच्छा मतलब तुम इससे मारोगे तो हम उससे मारेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? सब जानता है भाई, वो गुस्सा भी निकाल सकता है लकड़ी पे। इसको छू मत देना गलती से भी। ये वैसे फाइबर है, ये उतना डेडली तो नहीं है जितना वो शीशे वाला होता है, ये फाइबर है। नहीं लेकिन तुम लोगों ने अपना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर लिया है इस पे। इसके अंदर जो वो मटेरियल होता है ना उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक कि वो जो ग्लास के अंदर जो मटेरियल होता है, जो वाइट मटेरियल होता है, वो इसमें नहीं है, ये खाली इसका कलर ही वाइट है बस। अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया जिस बंदे ने मेरे गिटार को फेंका है। इस गिटार से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इस गिटार को बहुत मुश्किल से मैंने ख़रीदा था, तो मैंने कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज करके और फिर इस गिटार को ख़रीदा था। वैसे भी उस टाइम भी जब मैंने गिटार खरीदा तब भी मुझे बजाने नहीं आता था, लेकिन ख़रीदा मैंने, एक दो कॉर्ड वगैरह सीखा, फिर थोड़ा सा क्लास लिया, मतलब बहुत थोड़ा क्लास लिया था मैंने, 2-3 महीने का क्लास बस ऐसे लिया था। मतलब टोटल कितने सेशंस होंगे, 15 सेशंस होंगे लगभग। उसके बाद से फिर गिटार बजाना ये वो होते रहा, लगभग 10 साल हो गए आज मुझे म्यूज़िक में, और कुछ खास नहीं आता है म्यूज़िक मुझे अभी भी, लेकिन जो भी है मैं मेरे गिटार को अभी फेंक नहीं सकता। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे वो थोड़ा सा मुश्किल है करना, और वो उतना भी कुछ रिस्की नहीं है। और अभी देखते ही देखते शाम हो चुका है। ये वाला ट्यूबलाइट ना खाली देखने का वैसा लगता है ये फाइबर का बना हुआ है, और ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसमें पूरा ताकत लगा के भी तोड़ने पे ये टूट नहीं रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया लेकिन वो फेल हो गया। अगर वो ट्यूबलाइट टूट जाता तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता, लेकिन टूटने के बाद क्या होता वो हमको भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता, हो सकता है वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो हम दोनों के बीच में ये एक्सपेरिमेंट था, आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि हमें 1 मिलियन तक जाना है और आगे उसके बाद भी। तो हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।